ultimate battle between legends. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। अस्सलाम वालेकुम, आप भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाबी हूँ। नारायण हैदरी। वो आजकल कोई सूफियों ने एक छोटा सा बच्चा छोड़ा हुआ है वो टीवी चैनल के ऊपर, ठीक है, वो आके बड़ा अपना फलसफा झाड़ रहा है। अब मैं उसकी वीडियो देख रहा हूं तो मैं हंस रहा हूं कि यार ये देखो, इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं किसी चीज का और इतने एतमाद के साथ आके बात कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो सवाल उठाए गए और जो ये आवाज बुलंद हुई कि जी बाबे ते शाही कोई नहीं, अब ये जुमला बजाते खुद बड़ा यामियाना है और ये कोई स्कॉलरली जुमला नहीं है। सरक सरक उधर। अब ये कहते हैं कि सूफिया से मंसूब किताबों में गुस्ताखाना इबारात है जिसकी वजह से हम इन सूफिया को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक इतराज उनका ये है और उसके आगे कहानी बनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मानते? हमेशा उसके जवाब में ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद और नजरियात उनकी नजर में दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हम उसके हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाला जो अमल है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो जुर्म ये खुद कर रहे हैं उस जुर्म का इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? ये तो खुद भी कर रहे हैं। ये आज डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद डिक्लेयर करते हैं और कहें कि उनकी इस्लाम के लिए खिदमत है और वो अल्लाह के वली हैं, वो गौसे वक्त हैं, हम इनके बुजुर्गों को मान लेंगे। और ये मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कहा, कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। ये मैंने एक तालीक बिल मुहाल वाली बात की है। फिर इन्हें इस चीज की तकलीफ फील होगी कि हमें कितना मुश्किल होता है इनके बुजुर्गों की जो किताबों के जरिए हमें उनका तारुफ हुआ है जो इन्होंने करवाया उसमें जो नजरियात कुरान सुन्नत के खिलाफ है उनके होते हुए हम कभी भी इनके बुजुर्गों को वो दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है जो सहाबा अहले बैत ताबईन तबा ताबईन और सही अकीदा मुसलमानों का है। हमें इख्तलाफ इनके उन नजरियात के साथ है जो मैं वक्तन वक्तन उनकी किताबों की रोशनी में हाईलाइट करता रहता हूं और ये हमारा राइट है। अब हम बात करते हैं गुस्ताखाना इबारात के ऊपर। देखिए बात यह है, दुनिया में किसी भी किताब में कोई इबारत लिख दी जाए और किताब हो हजार साल पुरानी, तो मैं आज का रीडर हूं तो मैं जैसी किताब खोलूंगा तो क्या मैं फौरी तौर पे ये कह दूंगा कि ये इस ऑथर की ये स्टेटमेंट है? ये मुहक्किकाना बात नहीं है, ये तहकीक की बात नहीं है। अगर आप वाकई मुहक्किक होते, आप सैनिटरी वर्कर ना होते, आप वाकई रिसर्चर होते तो आपके सामने जो टेक्स्ट आएगा आप टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक इबारत देखी, उस इबारत के ऊपर इन्वेस्टिगेटर भी आप ही खुद, प्रोसिक्यूटर भी खुद आप ही, और उसके बाद डिफेंस आपने दिया कोई नहीं और आपने जजमेंट भी पास की। जजमेंट सिर्फ इबारत पे पास नहीं की आपने, आप इबारत पे पास करते हैं, आपके साथ होते हैं कि इबारत गुस्ताखाना है। ठीक है, तो आप इसमें साथ हो और जरा वो मदारिस और मकतबे सारे बंद करवाओ, कोई नहीं साथ। ये अभी एक इल्मी शावत एक जुमला बोल दिया, आपने कहा कि ये जुर्म कमिट हो चुका है, ये ख्वाजा साहब ने कह दिया है, ये अली हजवेरी ने कह दिया है। और यहाँ पे आप नहीं रुके, आपने कहा अली हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, मुइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले उन सालों का भी यही अकीदा है और ये गुस्ताखाना इबारत की वजह से ये सब गुस्ताख है, ये रंदा दरगाह है। आपने तो ये भी कहा कि ये दीन का गद्दार है, आपने तो ट्रीजन लगा दिया हमारे ऊपर। तो आप यहाँ पे जरा रुके, रुको जरा, सबर करो, आजा आजा समझाते हैं तुझे। लेकिन आप हमारे बुजुर्गों को ही काफिर कहते हैं, आप हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख कहते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि मैं 100,000 टन हुस्न रखता हूं कि आपके बुजुर्गों ने ये कलमे अपने नामों के नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन ये आपका कहना है कि ये मारफत की बात है, उन्होंने पढ़वाए। तो फिर आपके बकौल, चूंकि आप अथॉरिटी है ना, आपके अब्बा है मेरा तो नहीं अब्बा, आप ही उसकी जायज उला दो रूहानी। तो जब आप उसे मारफत की बात कह रहे हो तो फिर मैं आपकी बात को सही समझूंगा। अगर मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा उसने जाना है कि वो बंदे दुनिया में रोटी मार के, पता नहीं उन्होंने बात कही थी नहीं कही थी, अगर नहीं कही थी तो अल्लाह की जरूरत बड़ी है, अगर कही थी तो जन्म में मेरा क्या लेना देना, ना मैं सिर्फ खड़ा हूं ना सिर्फ करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। खाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बायोग्राफी हमारे पास मौजूद है। तो एक इबारत आपके सामने आती है, इबारत गुस्ताखाना हो सकती है, 99 दूसरी इबारत उसी किताब में मौजूद है जिसमें तौहीद की बात है, जिसमें खत्मे नबूवत की बात है, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत की बात है, जिसमें सहाबा की पैरवी की बात है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जब आपने फैसला देना था तो कम से कम इतनी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कर लेते कि 98% बातें वो है, एक बात ये है, लगता ये है कि ये किसी ने बाद में घुसाई है ये बात। सही, ये इन साहब के कैरेक्टर से मैच नहीं करती। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड है, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कश्म मजूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कश्म मजूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब को नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चक क्यों मारा गुस्ताखी अला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कह गया यार ये तो बात तो सही है, वो भी मैंने बात तो सही है। अब चिश्ती रसूल्लाह जब निकलता है सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है। अमली तौर पे ये जितनी इबारात है ये वैसे ही मतरूक है, ये इबारात कभी किसी ने कोट ही नहीं की। तुमने किताबें छापी हैं, इनकी राम की कमाइयां खाई हैं, आज हमारी जब भीड़ पहुंची है तो तुम्हें हाथ पांव पड़ गए। अगर ये इबारात, मैं जैसे एक खास इबारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, अगर ये इबारत दुरुस्त होती तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तारी काकी जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद थे वो भी इस इबारत को दोहराते, बाबा फरीदुद्दीन भी दोहराते, निजामुद्दीन औलिया भी दोहराते, इस बड़े सगीर पाक हिंद में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग मौजूद है, वो इस इबारत को दोहराते। अमली तौर पे ये इबारत मुसलमानों की सूफियों की कलेक्टिव मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहते हैं जी हमारे किसी हजरत के खलीफा ने कभी कलमा पढ़वाया तो नहीं है, थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह। और भाई जब तुम दिफा कर रहे हो तो पढ़वाना ही हुआ ना, दिफा क्यों कर रहे हो? लानत भेजो तुम जिस तरह हम भेज रहे,
ना वो इस इबारत को जानते हैं, ना वो इस लिटरेचर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। आपने उस इबारत को निकाला और आपने कहा ये है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अगली तौर पे तो ऑलरेडी वो इबारत तर्कशुदा है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करा। कहते हैं जी ये मसले दफन हो चुके थे, इंजीनियर साहब ने निकाले। यार अगर मैंने हुसामुल अरमैन, अलब्रेलविया और अलमुहन्नद किसी कुएं से, किसी गार से दरियाफ्त करके उम्मत में आग लगाई होती तो आपकी बात दुरुस्त थी। आपकी तो ये टेक्स्ट बुक्स हैं। भाई हदीस का लिटरेचर है, हदीस के लिटरेचर में सासिता है, सासिता के बाहर भी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, ज़ईफ हदीसें भी होती हैं। बहुत सी हदीसें हैं जो मौजूआत है, फैब्रिकेशंस हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ज़ईफ हदीसें भी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली बयान नहीं कर सकता, हमारे टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर उनका हुक्म मंसूख है, कोई उन्हें फॉलो नहीं करता। तो यही यार्डस्टिक अपने लेवल पर, यही डिफेंस अपने लेवल पर हमने सूफियों को देना था। ये मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं बुजुर्गों का दिफा करूंगा इन कलमों के निकलने के बावजूद, गंदे वो हो चुके हैं। हमने दिफा सिर्फ उनका करना है जिनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं, सहाबा वाले अहले बैत। उनके बाद हमें कोई बात मजबूर नहीं करती कि हम किसी बाबे का ऑफ दबे जाके दिफा करें। क्या मतलब है तेरे वो बाबा कम पढ़े वाला निकल आया, मनु अल्लाह ने कह रहा है तू कि तू भी माचा बन गया सर। देखे ना कितना खतरनाक मामला है कि एक बाबे की तरफ गुस्ताखाना की मंसूब है। हो सकता है किताबें बदल गई, हो सकता है ना बदली हो, मैं तो मारा गया ना। तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं हर बाबे के बारे में ये कहता हूं कि अगर उसने ये कहा तो अल्लाह के हुजूर पकड़ा जाएगा, और मेरा उसने जाना है उसने नहीं कहा होगा। लेकिन मैं दोनों बातें साथ लेके चलता हूं क्योंकि तुम्हारे मानने वाले तो कहते हैं उस बाबे ने करवाया। अब देखिए बाप ने क्या मुकदमा बिल्ड किया, आपने कहा सूफी जो है वो अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और वो अपने नामों के हवाले से कोई मजहब लेके आए थे। दुनिया में जब भी कोई आइडियोलॉजी किसी ने प्रेजेंट करनी होती है तो अमली तवातर बताता है कि ये किस सोर्स से आ रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए, कुरान अमली तवातर से ट्रांसमिट हो रहा है। हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान ने किया, मौला मुर्तजा ने किया, आई भाई अहले बैत ने किया, कुरान ट्रांसमिट हो रहा है। अगर कोई शख्स अपने नाम का नाउज बिल्ला कलमा पढ़ाता फिर वो अमली तवातर से आगे ट्रांसमिट भी तो करता कि तुम भी आगे बताना, तुम भी आगे बताना, तुम भी आगे बताना। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर पीर मेरे लिए शाह गुलरवी तक चिश्तियों की लंबी लाइन है, किसी ने इस बात को प्रेजेंट ही नहीं किया कभी, अमली तवातर इसका हुआ ही नहीं है। आगे कहते हैं जी अगर ये हमारे बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए होते तो आज ये अमली तवातर से आगे चल रहे होते कलमे। जी अमली तवातर से चल रहे ना, तभी किताबों में छापे हैं ना, तभी तो 2009 में मुनाज़रे में दिफा किया हुआ है, चल रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते तो नहीं है, वो तो जनाब कादियानी भी नहीं, गुलाम कादियानी दज्जाल के नाम का कलमा पढ़ते जाए, वो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ते, आखिरी नबी नबी इस्लाम को ही कहते हैं, वो तो उसको उम्मती नबी कहते हैं। आप जाए उनसे पूछें कि भी आखिरी किताब कौन सी, वो कहेंगे कुरान। उनसे पूछें मुसलमानों के चार खलीफा कौन से, वो कहेंगे अबू बकर उमर उस्मान वाली। ज़ाहिर है सुनियों में से एक फिरका निकला था ना, आदियानी शिया का फिरका नहीं था, सुनियों का था, हनफी, आज तक हनफी है। तो बातें तो सारी वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन खत्मे नबूवत के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया उसकी वजह से हमने उन्हें काफर डिक्लेयर किया। तो कादियानी अगर खिलवाड़ करें तो वो काफर है, तुम और तुम्हारे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह। उल्टा जो तुम्हारी गलती हाईलाइट करे बजाय उसे एक्सेप्ट करने के उसके ऊपर चढ़ दौड़ो, उसके ऊपर फतवे लगाओ कि इसे तहफ़ुज़ फराहम किया हुआ है और ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता, हमारे उलमा मुनाज़रे के लिए जाते हैं, ये मुनाज़रा नहीं करता। और कौन आया तुम्हारे बड़ों में से बताओ, तुम्हारे बड़े तो अपना कीदा छोड़ के मेरी वजह से मुफ्ती मुनीब साहब को फतवा लिखना पड़ गया। मुफ्ती मुनीब इनकी सुलह कराने हर जगह पहुंचे होते हैं ना, जेल वाले को मसला था चले ऑनलाइन आ जाते, उन्हें पता सही बातें कर रहे। उल्टा जब मुफ्ती अनीफ कुरैशी यहां से होकर गया, उन्होंने मुफ्ती अनीफ कुरैशी के खिलाफ वीडियो बना दी कि ये कौन सा मुनाज़रा है कि अकेला जाए बंदा और अकेला भाग के तो फतह याब होकर तो वापस आ जाए। वो वीडियो देखिए, जैसे भी एग्जाम मुनाज़रा करने चले गए, मुनाज़रे में फाते भी हो गए। अब कोई पूछेगा भी मुनाज़रा होता मतलब जब दो बंदे इत्तेफाक करें, नंबर दो ये कि मुनाज़रे का मौजू तय हो, नंबर तीन ये कि दोनों का मौकिफ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है, फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाज़रे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाए और आपके मिफाते आलम हो गए और वाह वाह ये हो जाती है। तो जब हमें यही नहीं पता कि भाई मुनाज़रा क्या है, उसके तरीके क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फाते हो जाते हैं। और चेक करो मुफ्ती साहब नौवीं अंदर खाने, अगली गल आप समझो, मतलब आप जिहलम के स्कॉटलैंड यार्ड में खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने, डिफेंस आप दे नहीं। पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कमरों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद उसी मजीद देना है, गुलाम कादियानी का भी दिफा करना, ये अपनी कमरे टूट गया। और आपकी तहकीक का ये लेवल है कि जो इबारत आपके सामने आती है वो चाहे डुबियस ऑथरशिप वाली हो, आप कहते हैं इसी ऑथर की है, इससे बड़ी स्टुपिडिटी नहीं हो सकती। ये कौन बेवकूफ होगा। और मैं किताबों के वाले से आखिरी बात बता दूं, पुराने वक्तों में हाथ से किताबें लिखी जाती थी। अब एक किताब शेख अली बिन उस्मान अजमेरी ने लिखी, अब किसी ने उसको कॉपी करना है तो एक कातिब आया, कातिब प्रोफेशनल कातिब है, उसमें फोटो स्टैट मशीन नहीं है, फोटो कॉपी मशीन नहीं है, वो कातिब ने उसको देख के नकल बनाई। अब उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वी डोंट नो, उसकी मेमोरी क्या है, वी डोंट नो, उसकी लैंग्वेज ग्रिप कितनी है, वी डोंट नो। उसने एक कॉपी बनाई, एक और स्टूडेंट आया, मैंने भी बनानी है कॉपी, यूं कॉपियां बनी। और कातिबीन की तरफ से गलतियां होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज की, लिटरेचर की, इंटेलेक्चुअलिटी की, उस दर्जे की डेप्थ नहीं होती, इसलिए 1000 साल पहले वाली किताबें जो है। और बाय द वे हमारा तो मुकदमा यह है कि कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो एज इट इज अपनी रियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो अपनी एग्जैक्ट नेचर के साथ मौजूद हो। और आपके प्रोग्राम में मैंने एक दफा पहले कहा था, मैं अपने आर्गुमेंट को दोबारा दोहरा रहा हूं, आइंस्टाइन की बातें करते हैं और आप ये कहें जिसको न्यूटन के लॉ 3 लॉज ऑफ मोशन नहीं आते थे, अली अजमेरी 1000 किलोमीटर से आए हैं इस्लाम को फैला रहे हैं, आप उन्हें तौहीद का नहीं पता था, उन्हें खत्मे नबूवत का नहीं पता था,
वो कोई अपना कल्ट लेके आया नहीं है, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? और मुझे ये भी आप बताएं, ये बोझ आपके ऊपर है कि सूफिया के अलावा किसने इस्लाम को पिलाया है? आप मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं मुगलों का हेयर हूं, तो अकबर बादशाह ने इस्लाम फैलाया, वो तो दीन इलाही फैला रहा था यहाँ पे, वो तो हिंदुइज्म फैला रहा था यहाँ पे, किसने इस्लाम फैलाया है? औलिया अल्लाह के सिलसिले ने फैलाया है। हमारे किसी नजरिए से किसी को कोई इशू है तो कुरान सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हमें जवाब दे, हमें किसी शख्सियत के बड़े होने का रोक न डाले। रहा यह मसला कि सूफिया इस्लाम लेकर आए, तो इसका इनकार तुमने कभी भी नहीं किया। अगर आप ये कहते हैं कि सूफिया का इस्लाम लाना सब कॉन्टिनेंट में इस बात की दलील है कि उनके कुरान सुन्नत के खिलाफ जो नजरियात हैं हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे वो दुरुस्त थे, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी इज्जत हमने अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से की है। अगर वो अल्लाह उसके महबूब अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ कोई तालीम देंगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सिर्फ कलमा पढ़ाना ही दलील है तो ये सारे सूफिया के मानने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मानते? हमेशा उसके जवाब में ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद और नजरियात उनकी नजर में दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हम उसके हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाला जो अमल है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो जुर्म ये खुद कर रहे हैं उस जुर्म का इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? ये तो खुद भी कर रहे हैं। ये आज डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद डिक्लेयर कर दें और कहें कि उनकी इस्लाम के लिए खिदमत है और वो अल्लाह के वली हैं, वो गौसे भक्त हैं, हम इनके बुजुर्गों को मान लेंगे। और ये मैंने फादर से एक आर्गुमेंट कहा, ये कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ये मैंने एक तालीक बिल मुहाल वाली बात की है। फिर इन्हें इस चीज़ की तकलीफ फील होगी कि हमें कितना मुश्किल होता है इनके बुजुर्गों की जो किताबों के जरिए हमें उनका तारुफ हुआ है, जो इन्होंने करवाया उसमें जो नजरियात कुरान सुन्नत के खिलाफ है उनके होते हुए हम कभी भी इनके बुजुर्गों को वो दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है जो सहाबा अहले बैत ताबईन तबा ताबईन और सही अकीदा मुसलमानों का है। हमें इख्तिलाफ इनके उन नजरियात के साथ है जो मैं वक्तन वक्तन उनकी किताबों की रोशनी में हाईलाइट करता रहता हूं, और ये हमारा राइट है। चलिए ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि सूफिया इकराम की जो बुक्स हैं वो तो हो गई तब्दील, और उनमें जो गुस्ताखाना इबारात है फिर उन पर इतराज़ क्यों? जब किताबें तब्दील हो चुकी हैं तो इतराज़ क्यों? इतराज़ इसलिए कि अगर किताबें तब्दील हो चुकी हैं तो ये अनाउंसमेंट करें कि इन किताबों को चौक में रख के आग लगा दी जाएगी और मुस्तकबिल में कोई भी शख्स उनकी किताबों से इक्तसाब नहीं करेगा, ये अनाउंसमेंट करें। और अगर ये कहेंगे कि इसमें जो बातें हमारी मतलब की हैं वो हम ले लेंगे और जो जो इंजीनियर साहब गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट कर रहे हैं ये उनकी है ही नहीं है, इनके पास कौन सा एक ऐसा सोर्स मौजूद है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने डिफाइन किया कि ये गुस्ताखाना इबारतें जो है उनकी नहीं है और जो दो चार बातें ठीक लिखी हैं उन्हीं की हैं, इसमें उनका कौन सा कमाल है? हमारे नजदीक तसव्वुफ की किताबें स्टार्ट से लेकर एंड तक सैकड़ों नहीं हजारों गलतियों और कुरान सुन्नत के खिलाफ तालीमात का एक मरहूब है, उसमें शायद आयात और अहदीस जो उन्होंने कोट की हुई है वो भी जो सही वाली है वही बचेंगी, उसके अलावा जो कुछ उन्होंने अपना लिखा है वो सब का सब कुरान सुन्नत के खिलाफ है। इवन जो आयात और अहदीस इन्होंने कोट करके उससे जो रिजल्ट निकाले हैं ना वो भी 100% कुरान सुन्नत के खिलाफ है। आप कोई एक नुमाइंदा किताब लें, मसलन कश्मीर मजूल है, मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा कि ये टोटली कुरान सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी तालीमात है। मैंने गुस्ताखियों को सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया कि गुस्ताखी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक आम बंदे को भी समझ आ जाता है कि बात तो सही है भाई, ये गुस्ताखी तो है, इसके जरिए उनका दिमाग खुलता है, फिर जब हम उन्हें बताते हैं कि ये बाकी बातें भी जो ये बयान कर रहे हैं ये भी गलत है। मसलन कश्मीर मजूब को ये कहते हैं तसव्वुफ की पहली किताब है जो फारसी जुबान में पूरी दुनिया में एक टेक्स्ट बुक के तौर पर, हमारा दावा है कि कश्मीर मजूब अपने स्टार्ट से लेकर एंड तक कुरान सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी है, उसमें जो आयात और अहदीस लिख के रिजल्ट निकाले गए वो कुरान सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी है। अगर कोई हमसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता है और वो वाकई हकीकतन इस चीज के लिए राजी है कि उन गलतियों को एक्सेप्ट करेगा तो पहले तो उन गुस्ताखाना बातों को एक्सेप्ट करेगा जो नबी इस्लाम की जात के ऊपर गुस्ताखाना वाकया मंसूब किया, ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी के साथ स्कैंडल लिखा है, हमसे पहले इनको क्यों नहीं पता था ये गुस्ताखाना है? ये फतवा देंगे उन सारे बुजुर्गों के ऊपर जिन्होंने उस किताब के तर्जमे किए, उसकी प्रिंटिंग की, उसकी हराम की कमाइयां खाई, एक एक बुजुर्ग का नाम लेके उनके ऊपर फतवे देंगे, और अगर ये नहीं देंगे हमें उसी पर पता चल जाएगा ये बदनीयत है, सिर्फ अपने पब्लिक प्रेशर की वजह से बात कर रहे हैं, अदरवाइज इनका यही अकीदा है। देखें पीर करम शाह अलजरी कश्मीर मजूब में आए हुए वाके को जो साहब सुकर के कॉन्टेक्स्ट में ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी के साथ नबी इस्लाम का स्कैंडल उन्होंने लिखा नऊज़ बिल्लाह झूठा, अपनी तफ़सीर ज़ैउल कुरान में कह रहे हैं ये काफिरों ने हमारी किताबों में दाखिल किया, कश्मीर मजूब का जब मुकदमा लिखा तो कहा कि कश्मीर मजूब वो किताब है जिसका कोई पीर नहीं हुई किताब पढ़ ले, उसमें ये वाकया मौजूद था, उसको उन्होंने वहां कंडेम नहीं किया, ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्यों उन्होंने इसको ऑन किया? फिर बताएं कि ये किताबें तब्दील हुई हैं और फिर पब्लिक को ये भी बताएं कि जो बुजुर्ग अपनी किताबों की हिफाजत नहीं कर सके जो कि उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया का निजाम चला रहे हैं ना, अगर कल को कोई ये कहता है अल्लाह ने अपनी किताबों की हिफाजत नहीं की तो अल्लाह ने जिम्मेदारी भी ये किताब की ली थी उसकी हिफाजत की है, बाकी की जिम्मेदारी नहीं ली थी, इन्होंने तो दुनिया के निजाम की जिम्मेदारी ली हुई है ना, तो बुजुर्ग अपनी किताबों की हिफाजत करते हैं, अव्वल आखिर ये सब सब किताबें फ्रॉड पर मबनी है, इनके तमाम नजरियात कुरान और सही इस्नाद हदीस को छोड़ के सब के सब फ्रॉड पर मबनी है, और कुरान और सही इस्नाद हदीस से जो रिजल्ट इन्होंने निकाले हैं वो भी फ्रॉड पर मबनी है, चाहे पुराने बुजुर्गों के चाहे नए बुजुर्गों के। अली अशबेरी साहब ने बुखारी की वो हदीस हाथ बन जाता हूं पांव बन जाता हूं उसे इतना खतरनाक रिजल्ट निकाला है कि इसको उन्होंने दलील बनाया कि जो बैजीद बुसामी कहता था सुभानी मा अअम शानी मैं पाक हूं मेरी शान कितनी बुलंद है, उन्होंने इस हदीस से ये रिजल्ट निकाला है हाथ बन जाता हूं पांव बन जाता हूं उसे, हालांकि उस हदीस में बुखारी में मौजूद है कि वो फिर मुझसे दुआ करता है उसकी दुआ को कबूल करता हूं अपने दुश्मन के गेस्ट मुझसे पना तलब करता है उसको पना देता हूं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि अल्लाह ताला बंदों में हुलूल कर जाता है या बंदों की जो सिफात है वो अल्लाह ताला की सिफात का किसी हवाले से नजर बन जाती है, इस किस्म के जितने जो मलाई किसे कहानी है जो मिसबाई साहब का मजाक उड़ाते हैं ऊपर देखा तो सोना नीचे देखा तो सोना दरख्त भी सोने का पत्ते भी सोने के जड़े भी सोने की, ये अलीजबेरी साहब ने वाकया लिखा अपने पीर भाई का, ये उन्होंने हमारे पीर साहब के अबुल फजल खुदरी के बारे में लिखा है, अब अलीजबेरी साहब उसके मजूम में लिख रहे हैं कि मुझे एक दफा मसला हुआ तो मैं बाजी बुस्तामी की कब्र पर मुजावर बन के मैंने रात गुजारी मेरा मसला हल हो गया, ये सारे कब्रों पर जाते हैं मुजावर बन के बैठते हैं, अब इस दिन का कुरान सुन्नत से क्या लेना देना, हमारे नजदीक उन्होंने जो कुरान सुन्नत से रिजल्ट भी निकाले हैं वो भी 100% उसके मुनाफी है, उसका दिन से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो चले पुराने बुजुर्ग है। पीर मेरे लिशा साहब किताब में लिख रहे हैं वस्ताइनु बिसबरी वसला से कि नमाज और सबर के जरिए मदद चाहो इससे गैर अल्लाह की मदद साबित होगी, साथ इन्होंने पढ़ा इन्ना अल्लाह मअस्साबिरीन बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, इस्ताइनु बिसबरी वसला का मतलब अल मदद या नमाज अल मदद या सबर नहीं था, मुराद था ये अमाल अल्लाह की मदद का जरिए, उन्होंने इसे गैर अल्लाह कह दिया, ये लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो मेरा ये दावा है चाहे गजाली की किताबें हो इहराउल उलूम हो मुकाशफतुल कुलूब हो किमिया सादत हो मिनहाजुल आबिदीन हो या उसकी अपनी लाइफ स्टोरी अल मुनक़िस मिनद दलाल जो उसने मरने से कुछ अर्सा पहले किया, उसमें वो लिख रहा है कि जो भी तसव्वुफ की लाइन पे आता है तो शुरू में यही आपको मुकाम हासिल हो जाता है कि आप बेदारी में अंबिया की रूहों से मिलते हैं और उनसे इक्साब करते हैं, तो हम पूछेंगे अभी बुखारी मुस्लिम में कौन सी हदीस है कि हज़रत बकर की कभी हज़रत ईसा की रूह से मुलाकात हुई हो या मूसा अलैहिस्सलाम की रूह से मुलाकात हुई हो, ये सब का सब फ्रॉड पे है।
ये तो हमारी शराफत है कि हम सिर्फ गुस्ताखाना बातें हाईलाइट कर रहे हैं, दूसरी हम करें अव्वल दाखिल इसमें जुर्म है। कशुल मजूब में किस्सा आदम और इबलीस को अली अजमेरी साहब ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो इबलीस का मामला हुआ उसमें इबलीस की गलती को अल्लाह के खाते में डाला हुआ। उन्होंने कहा अल्लाह ने हुक्म तो दिया था इबलीस को कि सजदा करे, लेकिन अल्लाह चाहता नहीं था कि वो सजदा करे। जी बिल्कुल खत्म, फिर तो अंबिया का मुकदमा खत्म हो गया। ये बात ना लिख ले जो चोर की जाओ मेरी सजा। मैं सिर्फ पूछूंगा जिस बंदे को किसे आदम और इबलीस समझ नहीं आया और वो कशुल मजूब में लिख रहा है कि अल्लाह ने हुक्म तो दिया इबलीस को लेकिन चाहा यही कि ये सजदा ना करे और ये इबलीस हो जाए, इसका मतलब पता क्या है? अल्लाह की सिफ़त अदल को स्टेज पे लगा दिया तो पूरा खुदाई निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। उस दिन से डर जाए कि मुझे कभी इतना फारिग टाइम मिले कि मैं ये तसव्वुफ़ की किताबें पहले सफ़े से शुरू करूं और आखिरी सफ़े तक साबित करूं कि एक सफ़ा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान सुन्नत के खिलाफ बात लिखी हो। मेरे नजदीक की किताबें इस काबिल है कि इन्हें चौक में रख के आग लगाई जाए। और जिसने ये कहते थे ना कि वो नजदियों की कब्र के ऊपर भी कोई अगर बकरी उस घास को खाए उसका गोश्त खाना हराम है, मैं कहता हूं कि इन किताबों की तपिश में पका हुआ गोश्त खाना भी हराम है। इतनी गुस्ताखाना ये किताबें। इनको काफिर क्यों नहीं बोलते? काफिर इसलिए नहीं बोलते कि ये एक शरी मसला है, एक बंदा हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम शरी तौर पर उस पर फतवा नहीं लगा सकते। हम बेनिफिट ऑफ डाउट उसे देते हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये सारी किताब ही उसकी ना हो और ऐन मुमकिन है जहां पे वो दफन है ना वहां पे कोई गधा घोड़ा या कुत्ता दफन हो, लोगों ने मजार बना दिया, वो बेचारा बंदा ही ना हो, ऐन मुमकिन है। जब तक वो बंदा सामने नहीं आता, बंदा सामने आएगा उसके सामने शरी हुक्म लगे रखेंगे और उसे बताएंगे कि हमें तौबा करनी है कि नहीं। खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा है कि अगर ये लोग हमारे जमाने में होते हम इनके सामने इनकी बातें रखते, अगर ये तौबा ना करते हम फतवा देते, ये तो खुद मानते हैं। तो हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वो हम बंदे हमारे सामने नहीं है। हाँ, आप जनरल मुझसे फतवा ले सकते हैं कि अली अजमेरी हो, इमाम गजाली हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, जो जो गुस्ताखाना इबारतें इनकी किताबों में मिल रही हैं अगर वाकई ये इनकी हैं तो वो पक्के काफिर थे, और अगर ये उनकी इबारतें नहीं है तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं खुद से उनकी वकालत करूं कि नहीं उन्होंने नहीं कहा होगा, इसलिए कि हमें कुरान और सुन्नत ने मजबूर किया है सहाबा और अहले बैत का दिफा करने पर। उनके बाद जितनी हस्तियां हैं मे बी वो औलिया अल्लाह हो मे नॉट बी, हम उनकी वकालत खुद से नहीं कर सकते, उनके पीछे कुरान और सुन्नत ही ना खड़ा हुआ, उनके पीछे तो उनकी पब्लिक खड़ी हुई है। क्या अशरफ थानवी साहब को करोड़ों जो बंदियों ने हकीमुल उम्मत माना है तो बरेलवियों ने बुजुर्ग मान लिया, वो तो उन्हें काफिर समझते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अहमद बरेलवी को मुजद्दद मान लिया करोड़ों बरेलवियों ने तो क्या देवबंदियों ने मान लिया तो मुश्रिक कहते हैं? वो जुर्म ये खुद किए हुए हैं। ये सारे सूफियों के मानने वाले ये माने कि अशरफ थानवी जो है वो गौसे वक्त था, कभी नहीं मानेंगे, कहते हैं वो तो थानवी रसूल अल्लाह कलम को उसने एंडोर्स किया हुआ है, उसकी तो कलम की सही भी कुछ नहीं हुई है। पुराने बुजुर्गों को कह सकते थे बदल गया, इसका तो ये भी नहीं कह सकते, तो क्या करेंगे? तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिस जुर्म का ताना हमें दे रहे हैं वो जुर्म ये खुद करते हैं और उसको सही समझते हैं, हम इनके साथ हैं। At last, I want to say something to this dumb idiot. अपनी औकात में रहा करो बेवकूफ कहीं के।